आज की सभा में उपस्थित बिलासपुर नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधु, मंच पर आसीन आज की सभा में सभी भाई बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। सबसे पहले भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने आज ये व्यवस्था की और मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं स्वाभिमान के विषय में बात करने आया हूँ और आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिनके पास भी मोबाइल फोन है वो उसको या तो साइलेंट मोड में रखें या बंद कर दें। 5 जनवरी 2009 को अब धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के 600 जिलों में पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संपूर्ण समर्पण भाव से और निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में करीब 11 लाख योग शिक्षक और इसमें आने वाले और 2 वर्षों के बाद 50,000 योग शिक्षक हमारे पास होंगे, तब हम भारत के गांव-गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत के हमारे भारत में हर एक नागरिक को निरोगी और स्वस्थ बनाने के लिए हमारा जो अभियान है योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से, उस अभियान के तहत हर दिन हम 1,00,000 योग कक्षाएं लगाते हैं और 1,00,000 योग कक्षाओं के माध्यम से हर दिन लाखों भारतवासियों को हम प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आस्था चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह 5 से 7:30 बजे तक और करोड़ों भारतवासियों को प्राणायाम सिखाते हैं। आस्था चैनल भारत में तो आता ही है, दुनिया के करीब 100 सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। और यह कार्य हमने इसलिए शुरू किया है कि इस कार्य की भारत को बहुत जरूरत है, हमारे देश को इस समय बहुत अधिक जरूरत है योग प्राणायाम और आयुर्वेद की। बहुत अधिक लोग बीमार हैं, सारे भारत देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है ये भारत सरकार के आंकड़ों से आप समझ सकेंगे। अपने भारत में करीब 120, इसका मतलब ये हुआ कि 80% भारत बीमार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति माने जाएं, तो हर एक परिवार में औसतन 4 लोग बीमार। हमारे देश में लगभग 24 करोड़ परिवार हैं, हर परिवार में औसतन 4 लोग बीमार। सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे देश में खून की कमी, हमारे भारत देश में सबसे बड़ी बीमारी है एनीमिया। लगभग हमारे देश की 40 करोड़ माताएं बहनें इस एनीमिया बीमारी की शिकार है और 30 करोड़ भाई हमारे देश में पुरुष इस बीमारी के शिकार है। 70 करोड़ लोग तो एनीमिया नाम की बीमारी से ही पीड़ित है। ये सबसे बड़ी बीमारी है संख्या के हिसाब से। इसके बाद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5,70,00,000 लोगों को भारत में डायबिटीज है और ये इतनी खतरनाक तेजी से फैल रही है डायबिटीज
कि हर दो मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है इस देश में डायबिटीज से। हर दो मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है डायबिटीज के कारण, और हर एक मिनट में कोई ना कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डायबिटीज के कि व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। या तो किडनी फेल हो सकती है, या तो लीवर में कोई बड़ी, जिनको आंखों के रोग है। बहुत सारे भारतवासी हैं जिनको आंखों में ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, मायोपिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और करोड़ों भारतवासियों की आंखों के चश्मों सारी बीमारी कमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। इसी तरह से 17 करोड़ भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हम जिसको आर्थराइटिस कह सकते हैं, गठिया संधिवात, ये 17 करोड़ लोगों को है। 20 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन, या तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया या तो बहुत कम है। और 27 करोड़ भारतवासियों के बारे में सही है जिनको हर समय कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो उनको ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बच्चे या तो शारीरिक विकलांग हैं या मानसिक विकलांग। हमारे भारत में लाखों बच्चे हैं जिनको प्रोटीन बहुत कम है, जिनको कार्बोहाइड्रेट्स पूरे नहीं मिल पाते, जिनके शरीर में विटामिन की कमी है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले रासायनिक तत्व उन्हें नहीं है, और ये कारण है हमारी माताओं में खून की कमी होने का। अपने भारत में बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक साल में 2,38,00,000 बच्चों का जन्म होता है, इसमें से 56,00,000 बच्चे जन्म लेने के कुछ महीनों में और कुछ एक आध साल में मर जाते हैं, 80 से 90 लाख बच्चे मार। एक तरफ सरकार बहुत सारी सुविधाएं बढ़ा रही है, चिकित्सा का तंत्र बहुत बड़ा हो गया। मैं आपको कुछ पुराने आंकड़ों के हिसाब से करूं तो आपको अंदाजा तुरंत लगेगा। जैसे हम 1951 में इस देश में दवाएं बहुत कम बनाते थे, मानी भारत में दवाएं बहुत कम बनती थी, दवा बनाने वाली मुश्किल से 10-12 कंपनियां होती थी। आज भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों की संख्या, सैंडोज है, हेक्स्ट है, पार्क रेडिस है, जर्मन रेमेडीज है, एली लिली है, रेनबैक्सी है, कैडिला है, सिकला है, टॉरेंट है, ऐसी 24,000 कंपनियां हैं, इसकी अब 84,000 दवाएं बन रही हैं। तो दवाओं की कोई कमी नहीं है इस देश में, फिर बीमार गंभीर प्रश्न है। और एक बात कहूँ आपसे, जब 1951 में हमारी जनगणना शुरू हुई थी तब पता चला था कि भारत में हॉस्पिटल्स बहुत कम थे, उस समय गिने चुने उंगलियों पर 15-20 हॉस्पिटल हुआ करते थे पूरे देश में। आज भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स सरकारी लाइड है, उस ग्रुप की मैक्सिमम मेडिसिन हमारे बच्चों को दी जाती है। और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ये लिमोसुलाइड मेडिसिन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 20 साल पहले बैन हो चुकी है। अमेरिका में ये मेडिसिन बैन है, कनाडा में बंद है, जर्मनी में बैन है, फ्रांस में बैन है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे में ये दवा बंद है, ब्रिटेन में ये दवा बंद है। दुनिया के सबसे अमीर जो और विकसित देश माने जाते हैं वहां तो सब जगह बंद है ही, और दुनिया में जो कम अमीर और कम विकसित माने जाते हैं वहां भी बंद है। कारण बहुत साइड इफेक्ट्स हैं इस दवा के। हजारों बच्चे दुनिया में इस लिमोसुलाइड दवा को खाने के बाद अंधे हो गए। स्थिति में ये दवा खाएंगे तो आपको आंतों में घाव हो जाएगा, इंटेस्टाइन में घाव, अल्सर जिसको हम कहते हैं, और वो जल्दी आपने घाव नहीं भर पाया तो वो कैंसर में भी बदल सकता है। इसलिए दुनिया भर के डॉक्टर सब क्विनोलोक्विनोल का प्रेस्क्रिप्शन बंद कर चुके हैं। ऐसे ही दो मेडिसिन है, मैक्साफॉर्म और एंट्रोबायोफॉर्म,
दुनिया भर में बंद हो चुकी है 25-30 साल पहले, कई देशों में तो 40 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में तो धड़ल्ले से बिक रही है। और दुर्भाग्य से ऐसी भारत में 84,650 दवाएं बिक रही। मैंने तो 2-3 के ही नाम लिए क्योंकि समय की बहुत कमी है, ज्यादा देर में इसमें बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला हमारे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहा है कि जो जहरीली दवाएं हैं, बेकार की दवाएं हैं, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो हमें खिलाई जा रही। आप बोलेंगे इसका कारण क्या है? इसका कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन। ऐसी है जो दूसरे देशों से आई है, मल्टीनेशनल से, विदेशी कंपनियां, और वो ऐसी दवाएं बना रही हैं जिनको वो अपने देशों में नहीं बनाते। मैं आपको नाम लेके बताऊंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिका से आई है और ये भारत में एक ऐसी दवा बनाती है जिसको अमेरिका में वो कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि अमेरिका में वो मेडिसिन कई साल पहले बंद हो चुकी है। आराम से मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं आए, और अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ आई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे सकता है, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिल जाए जहर बनाने का लाइसेंस मिलता है। मैं ये ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। एक अमेरिकन कंपनी हमारे यहाँ आई थी, यूनियन कार्बाइड, इसको एक ऐसा जहर बनाना था जो दुनिया में कहीं नहीं बनता, उसको पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करना, उसका नाम उनके घरों के बिजली के बिल कंपनियां पे कर, इतना बुरा हाल है। आते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में, उनको लालच देते हैं कि जब कोई ये मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन करो इतना पैसा, इसका करो इतना, इसका करो इतना, डॉक्टर उस चक्कर में ये सब करते हैं। अब ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये सेवा नहीं है, ये बिजनेस है। अच्छा, जब बड़े बड़े डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि आप भी इतने गिर गए, तो कहते हैं हम क्या करें, 40 लाख रुपए खर्च करके हमने एमडी किया, 50 लाख खर्च करके हमने एमएस किया, किसी बैंक से हमने कर्जा ले रखा है, तो हम कहां से निकालेंगे अपना पैसा। हाँ, ये डॉक्टर बनते हैं तो ये तैयारी करना, कैसे कैसे लूटना, कहां कहां से लूटना, और पढ़ाई भी उनको ऐसे ही कराई जाए, सेवा के लिए कोई, जब कोई पढ़ाई करके निकलता उसको कहो भाई गांव में जाके सेवा देनी, कोई तैयार नहीं जाने। फिर हम कमाई के टैक्स के पैसे से हमारी, हम उनको पढ़ाई कराते हैं और लोगों की सेवा देने के लिए गांव जाने को कोई तैयार। छत्तीसगढ़ में ही देख लो क्या बुरा हाल है, पढ़ाई करा के कुछ को तैयार करो ताकि गांव में लोगों की तो सेवा हो, क्योंकि ये 5-6 साल वाले तो जाने को ही तैयार नहीं, क्योंकि गांव में किसको लूटेंगे। हाँ, इसलिए तो नहीं जाते, लूटेंगे किसको भाई, कौन मिलेगा वहां लूटने को, गरीब आदमी है, कहां देगा पैसा। समस्या का समाधान क्या? इसके दो समाधान है। पहला समाधान है कि हम सब लोग जो बीमारियों पर खर्च करने की हैसियत वाले लोग हैं, हमारी संख्या देश में 35 करोड़ है, 35 करोड़ भारतवासियों को माना जाता है कि वो मध्यम वर्ग के हैं, उच्च मध्यम वर्ग के हैं और उच्च वर्ग के, हमारे जो पैसे खर्च करके डॉक्टर जी में आते हैं, मैं भी उसी में आता हूं। तो एक रास्ता तो ये है कि आप सब इस फालतू दवाओं के दुष्चक्र से बचें। अगर बीमारी से बचना है तो आप ये फालतू दवाओं को ना खाएं, कम से कम वो दवाएं बिल्कुल ना खाएं जो दुनिया में कोई नहीं खा रहा है। और कुछ दवाओं के नाम तो याद कर लें, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन, बूटाजोन, उलोकिनोल, डाइक्लोफेनेक, रेमडेसिविर, इन दवाओं को कोई नहीं खा रहा है दुनिया, आप मत खाओ। और इसके साथ साथ अगर हिम्मत है आप में तो मैं तो आपसे कहूंगा कि एक कदम और आगे बढ़ाओ, बेईमान डॉक्टर को कभी भी मत जाओ, उसके पास मत जाओ। मेरा कहना है बीमारी से नहीं, बेईमान डॉक्टर से बचो। अगर नुकसान हो रही है वो दवाएं मत खाओ, एक एक दवा के 100-100 साइड इफेक्ट्स हैं वो कभी भी मत खाओ, और ऐसे बेईमान डॉक्टर्स के पास मत जाओ जो फालतू ऑपरेशन करते हैं,
बहुत सारी दवाएं लिखते हैं, बहुत सारी दवाएं लिखते हैं, एक बीमारी के लिए एक ही दवा काफी होती है। 15-20 दवाएं अगर डॉक्टर लिख रहा है तो समझ लेना बहुत बड़ा कमीशन खोर है। हाँ, एक ही मिनट में पता चलता है बेईमान कौन है और ईमानदार। आपको एक बीमारी है, एक ही दवा काफी है, चिकित्सा विज्ञान ये कहता है। सिद्धांत ये कहा जाता है कि एक बार में एक दवा पर्याप्त होती है। अगर कोई डॉक्टर 15-20 दवाएं लिख रहा है, बीमारी एक ही है, तो समझ लो ये कमीशन के चक्कर में लिख रहा है। और अगर कोई डॉक्टर इलाज करने से पहले आपसे धीमे से पूछ रहा है कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, तो समझ लेना महालूट हो रहे हैं। तो पूछ इसलिए रहा है कि कितनी जेब काटू इसकी, अंदाजा लगा रहा है। और ऐसे ऐसे लूट मची है। एक दो बात और कहूं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, एंजियोप्लास्टी का जब आप ऑपरेशन कराते हैं, आपको मालूम है उसमें कितनी बड़ी पोल और लूट है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, एक छोटा सा स्प्रिंग आपके आर्टरीज में डालते हैं, रक्त लेकर जाने वाली जो वाहिकाएं हैं हृदय तक, उनमें कहीं रुकावट है तो उसको हटाने के लिए एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको चौड़ा करने के लिए नली को। वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में आपने देखी, बस उसके ऊपर एक मेडिसिन का कोट किया जाता है। वो स्प्रिंग मात्र 10 रुपए में बनती है और आपको जब डाली जाती है तो बिल उसका 1.5 से 2 लाख रुपए होता है। लूट की खुली छूट है एंजियोप्लास्टी। और अगर आप बिलासपुर में एंजियोप्लास्टी कराएं तो हो सकता है 60-70 हजार लगे, वही एंजियोप्लास्टी रायपुर कराएं तो 1 लाख रुपए लगे, दिल्ली चले जाएं 1.5 से 2 लाख लगे, मुंबई चले गए तो 3 लाख तक लग सकता है। ऑपरेशन एक ही है, कीमत सब जगह अलग अलग है, क्योंकि आज तक सरकार ने इस सर्विस को रेगुलेट करने का कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए ये लूट मची है। और एक बात बताऊं, ये जो एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन है ये पूरी तरह सफल नहीं होता। अब जहां से जहां तक स्प्रिंग है वहां तो ब्लड का फ्लो अच्छा है, लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर ब्लॉकेज हो जाएगा, तब क्या करोगे, आपका तो 2 लाख बेकार हो गया। अगर आपके ब्लड में ब्लॉकेज करने की टेंडेंसी है तो कितना भी एंजियोप्लास्टी करो सब बेकार, तब तक आपका कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये फालतू ऑपरेशंस मत कराओ, फालतू दवाएं मत खाओ, ये बेईमान जो डॉक्टर्स हैं इनके पास मत जाओ। यही एक क्या, तो आप प्राणायाम करो, योग करो, आयुर्वेद की ऐसी दवाओं का उपयोग करो जो कभी भी शरीर को पर ऐसी कृपा की है कि हजारों दवाएं आयुर्वेद में हमको निशुल्क दी है, कोई पैसा नहीं लगता उन दवाओं का। अब जैसे मैं आपसे कहूं बेल पत्ते से दवाएं बनती हैं बहुत सारी आयुर्वेद में, अब बेल पत्ता आप तोड़ के लाओगे क्या पैसा खर्च होगा, कहीं भी मिलता है तोड़ लो, आप उससे दवा बना लो उपयोग करो। एक बहुत अच्छी घास होती है उसको पत्थर चट्टा कहते हैं, उससे कई दवाएं बनती है स्टोन प्रॉब्लम की, सड़क पे लगी हुई है। अभी मैं आ रहा था मुंगेली से बिलासपुर, तो थोड़ी नजर इधर उधर डाली तो कितनी दवा लगी हुई है पत्थर चट्टा सड़क पे घास के रूप में, तोड़ लो इस्तेमाल करो। ऐसी हजारों दवाएं हैं, किसी पेड़ का पत्ता दवा है, किसी पेड़ की जड़ दवा है, किसी पेड़ का तना दवा है, किसी पेड़ का फल दवा है, किसी पेड़ का फूल बहुत अच्छी दवा है, और हजारों तरह के पेड़ प्रकृति ने हमें दिए हैं। हमको तो बस पहचानने की देर है, दवाएं तो सब है हमारे पास, तो आप ऐसी दवाओं का उपयोग करो। और ये दवाएं जो है ना बहुत अच्छे से गंभीर बीमारियों को ठीक करते हैं, बहुत अच्छे से, बस एक बार हमें उपयोग करके देखने की देर है। तो मेरा निवेदन है कि आप आयुर्वेद की दवाएं उपयोग करो जिनमें कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, शरीर को दुष्परिणाम नहीं होता, और दूसरा योग प्राणायाम करो, इसमें तो कुछ भी खर्चा नहीं। प्राणायाम करने में तो श्वास निकालना और श्वास लेना, इसी पूरी प्रक्रिया को सीखना है।
और पिछले 10 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत के और भारत के बाहर के करोड़ों लोगों को प्राणायाम सिखा कर हर उस बीमारी से ठीक कर दिया जो एलोपैथी में कभी ठीक नहीं होती। आप जानते हैं डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, लेकिन प्राणायाम से ठीक होती है। हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट नहीं एलोपैथी में और हाइपोटेंशन की तो दवा नहीं एलोपैथी में, ये प्राणायाम से दोनों ठीक हो जाते। अर्थराइटिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं, गाउट का कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन प्राणायाम से ठीक होता है। हमारे शरीर में कई गंभीर बीमारियां हैं, माताओं को गर्भाशय में गांठ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कोई नहीं करेगा ठीक उसको एलोपैथी में, प्राणायाम से ठीक होता है। ब्रेन ट्यूमर ठीक होता है, यूट्रस ट्यूमर ठीक होता है, ओवरी का ट्यूमर ठीक हो जाता है, सर्विक्स का कैंसर ठीक होता है, थ्रोट कैंसर ठीक हो रहा है, ओसियोफेगस ट्यूब कैंसर ठीक हो रहा है, कैंसर में प्राणायाम काम कर रहा है और कैंसर ठीक हो रहा है। और कैंसर इतने अच्छे से, और अब अमेरिकन साइंटिस्ट आने वाले हैं, जनवरी के महीने में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है हरिद्वार में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें आ रहे हैं बहुत सारे विशेषज्ञ ये सीखने जानने कि कैंसर कैसे ठीक हो रहा है प्राणायाम से। तो जब प्राणायाम से कैंसर ठीक हो रहा है, डायबिटीज ठीक हो रही है, हाइपरटेंशन ठीक हो रहा है, अर्थराइटिस ठीक हो रहा है, दमा अस्थमा ठीक हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस ठीक हो रहा है, जो बीमारियां बिल्कुल लाइलाज मानी जाती हैं दुनिया में वो ठीक हो रही है, तो हम क्यों ना इसका उपयोग करें, फालतू में एलोपैथी के चक्कर में पैसे बर्बाद करें। तो मेरी आपको यही एक सलाह है, निवेदन है कि आप प्राणायाम करें, योगासन करें और आयुर्वेद की कुछ दवाओं का उपयोग कर लें, तो आपकी लगभग हर बड़ी बीमारी आप ठीक कर पाएंगे। हमने पिछले 10 साल में ये करके देखा है कि 90% से ज्यादा बीमारियां तो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं अपनी, 90% से ज्यादा। हमारे भारत देश को हम एक स्वस्थ देश बना सकते हैं, सुखी देश बना सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किए, बस हमें थोड़ा प्रयास करना है। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त, जरूरत पड़ने पर आयुर्वेद की दवाएं उपयोग करें। आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि हमें पता नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ जरूर गंभीर बीमारियों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके पास अगर डायरी है तो आप जरूर प्राणायाम की मदद से, योग की मदद से, आयुर्वेद की दवाओं की मदद से, पर आदमी को इसकी जानकारी की जरूरत है। मैं शुरू करता हूँ डायबिटीज से, जो सबसे खराब बीमारी। डायबिटीज भारत में 5,70,00,000 लोगों को है और 3 करोड़ को हो जाएगी अगले कुछ सालों में, सरकार ये कह रही है। हर 2 मिनट में एक मौत हो रही है डायबिटीज से और कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत हो रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, किसी को पैरालिसिस हो रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, खतरनाक हैं डायबिटीज के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? मेरी तो एक छोटी सी आपको गुजारिश है, सलाह है कि आप इंसुलिन पर ज्यादा निर्भर ना करें, क्योंकि ये इंसुलिन है ना भस्त्रिका प्राणायाम। 5 मिनट रोज सवेरे खाली पेट डायबिटीज के हर एक पेशेंट को 5 मिनट भस्त्रिका। भस्त्रिका तो बहुत सरल है, आराम से बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हुआ और आपकी उंगली और अंगूठे को इस तरह से स्पर्श करें ध्यान मुद्रा में और लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें, बस यही है भस्त्रिका। धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, लंबी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें, इसको 5 मिनट लगातार करें। इसके बाद कपालभाति आधा घंटे करें, लगातार करें। कपालभाति में क्या है, झटके के साथ और ताकत से सांस को बाहर निकालना है और सांस के निकालने पे ध्यान देना है, लेने पे ज्यादा परेशानी आपको नहीं करनी। लेने का काम तो शरीर खुद कर लेगा, निकालने का ध्यान रखना है। झटके से सांस निकालनी है, ताकत से निकालें, और जब सांस निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा, बस सीधी सी बात।
एक बार मैं आपको दिखाता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ये है कपालभाति प्राणायाम। आधा घंटे लगातार करें, अगर थक जाए तो बीच में थोड़ी देर रोक के फिर दोबारा शुरू कर दें, करना आधा घंटे। और तीसरा एक प्राणायाम करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है आपको, आपकी दाहिनी नाक को दाहिने अंगूठे से बंद करें और बाईं नाक से पूरी सांस को निकाल दें, फिर बाईं नाक से सांस को भरे और दाहिनी नाक से निकाल दें, फिर दाहिनी नाक से सांस भरे बाईं नाक से निकाल दें, फिर बाईं नाक से सांस भरे दाहिनी से निकाल दें। बस यही है अनुलोम। इसको आधा घंटा करना, एक बार दिखा देता हूं, आप आराम से कर पाएंगे। कपालभाति 5 मिनट बस्ते का, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है डायबिटीज के लिए। और इसके साथ आप चाहें तो आयुर्वेद की एक दवा जरूर ले लें। हमारे पतंजलि चिकित्सा केंद्र में तो मधुनाशिनी वटी एक आयुर्वेदिक दवा है जो डायबिटीज के लिए है, वो मिलती है। लेकिन आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते, 100 ग्राम मेथी का दाना ले लें और इसको धूप में सुखाकर पत्थर पे पीस के इसका पाउडर बना लें। 100 ग्राम तेज पत्ता ले लें, इसको 100 ग्राम जामुन की गुठली ले लें, जामुन का बीज, इसको धूप में सुखाकर इसको पीसकर इसका पाउडर बना लें। और 250 ग्राम बेल पत्र के पत्ते ले लें, इसको धूप में सुखाकर इसको पीसकर इसका भी पाउडर बनाए। तो 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते, उसको सुखाकर पीस के पाउडर बनाना, 150 ग्राम जामुन का बीज या जामुन की कुठली, उसको सुखाकर पीसकर पाउडर बनाना, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम तेज पत्ता, ये चारों को पीस लिया, पाउडर बन गया। अब ये आपस में मिक्स कर लें, सबको एक दूसरे में मिला दें। बस यही दवा है। इसको कैसे खाएंगे, 1 चम्मच सुबह ले लें गर्म पानी के साथ, खाना खाने से घंटे भर पहले, और 1 चम्मच शाम को ले लें, जब रात का खाना खाते हैं ना उससे 1 घंटे पहले। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ, खाना खाने से घंटे भर पहले। 1.5-2 महीने अगर आपने ये दवा ले ली लगातार और ये प्राणायाम कर लिया तो ये पक्का मान लीजिए कि आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोई कारण नहीं है ना। बहुत सही इसके लिए हजारों साल से। और ये टाइम टेस्टेड मेडिसिन है। टाइम टेस्टेड माने समय पर जिन दवाओं की परीक्षा हो चुकी है और खरी उतरी है। हमारे जो पुराने वैद्य हैं ना वो सब इस्तेमाल करते रहे इन दवाओं, आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छे से वर्णन है शुगर को कंट्रोल करने और ठीक करने। तो आप ये दवा खाएंगे और प्राणायाम करेंगे। बस एक ही बात है जो सावधानी आपको रखनी है, परहेज। डायबिटीज के सभी मरीजों को थोड़ा परहेज करना है, और परहेज ऐसा करना है कि ज्यादा चीजें ऐसी खाएं जिनमें फाइबर हो, रेशा ज्यादा हो, हाई फाइबर लो फैट डाइट, घी तेल वाली डाइट कम हो और फाइबर वाली ज्यादा हो, रेशेदार चीजें ज्यादा खाएं। सब्जियां सब में रेशे हैं वो खाएं, दाल जो खाएं वो छिलके वाली खाएं क्योंकि उनमें रेशा बहुत होता है, छिलके वाली सब दाल खाएं। मोटा अनाज ज्यादा खाएं, मोटे अनाज में फाइबर बहुत होता है तो मोटा अनाज खाएं, दाल सभी छिलके वाली, सब्जियां भरपूर खाएं, फल आदि ज्यादा ऐसे खाएं जिनमें रेशा बहुत है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो हाई फाइबर है और फैट में कम है।
और दूसरा एक परहेज है चीनी ना खाएं, चीनी छोड़, चीनी छोड़, क्योंकि डायबिटीज की इस पूरी बीमारी को ठीक होने में चीनी सबसे बड़ी रुकावट है। आप जो चीनी खाते हैं ना, इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। आपको एक दो बात मालूम है चीनी के बारे में कि इसमें कोई ऐसा, ये तो एक बात है, और जिसके साथ आप इसे खाओगे उसे भी हजम नहीं होने देगा। जैसे खाने के साथ आपने चीनी खाई तो चीनी तो हजम होगी नहीं, खाने को भी नहीं हजम होने देगी। इसमें है क्या जो आप खा रहे हो? मीठापन भी उसका आपके काम का नहीं है। देखो जो मीठापन हमारे बहुत काम आता है उसका नाम है फ्रक्टोज। सुक्रोज भी एक मीठापन है, फ्रक्टोज भी एक मीठापन है। फ्रक्टोज जो है ना वो काम आता है अपने शरीर को। फ्रक्टोज किस में होता है? चीनी को छोड़कर भगवान की बनाई हर मीठी चीज में फ्रक्टोज होता है। जैसे आम है पका हुआ, उसमें फ्रक्टोज है। केला है, उसमें फ्रक्टोज है। अंगूर है, नाशपाती है, अमरूद है, संतरा है, मौसमी है। सीधे शब्दों में कहूं उसे खाओ, और ये इंसान की बनाई हुई चीनी है इसे मत खाओ, क्योंकि इंसान जो है ना वो शैतान हो सकता है, भगवान कभी शैतान नहीं होता। चीनी बनाता है आदमी, और फल बनाए हैं सब भगवान। तो भगवान की बनाई गई मीठी चीजें भरपूर खाओ, उसमें कोई तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी आपको। चीनी हटा दो अपने घर से। जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो हटा दी, हटा ही दे। जो नॉन डायबिटिक है उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी हटा दो। तो आप बोलोगे फिर हम क्या खाएंगे मीठा? गुड़ खाओ ना, गुड़ बहुत अच्छा है आपके। चीनी से हजार गुना अच्छा है गुड़। मैं गुड़ और चीनी की जरा तुलना समझा दू आपको। गुड़ में कैल्शियम भरपूर है, गुड़ में फास्फोरस भरपूर है, गुड़ में पोटेशियम भरपूर है, फ्री में। और भारतवासी तो ऐसे हैं कि फ्री में जहर भी मिले तो लेने को तैयार। आप जानते हैं कोई भी आदमी जब पहली बार गुटखा खाता है तो फ्री में ही खाता है। पहली बार तंबाकू खाएगा फ्री में खाएगा, पहली बार सिगरेट पिएगा फ्री में पिएगा, पहली बार दारू पिएगा फ्री में पिएगा, फिर बाद में पैसे लगाएगा उसमें। अंग्रेजों को हमारी ये कमजोरी का पता चल गया कि भारत में अगर कोई चीज फैलानी है तो फ्री में बांटो भाई, फिर यही भारतवासी खरीदेंगे। चाय बेची उन्होंने तो ऐसे ही फ्री में भी लाई, चीनी भी ऐसे ही लाई। तो हम चक्कर में फंस गए, पहले फ्री में लेते रहे, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के। और आज ऐसा बुरा हाल है पूरे देश का कि सारा देश डूब गया इस चीनी। चाय में चीनी, दूध में चीनी, दही में चीनी, लस्सी में चीनी, मिठाइयों में चीनी। कई अद्भुत लोग तो ऐसे हैं जो दाल में भी चीनी डाल के खाते हैं। हाँ, बिना चीनी की दाल भी नहीं खाते, सब्जियों में चीनी डाल लेते। भला करे भगवान इन सबका, जल्दी इनको बुद्धि आए, ये चीनी से मुक्त हो जाए। और मैं आपको एक गहरी बात कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने यहां तो चीनी में डबो दिया, फंसा दिया हमको, और उनके अपने देश में वो सब चीजें शुगर फ्री बना रहे हैं आज तक। आप इंग्लैंड में जाओ, लंदन में बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हर मिठाई शुगर फ्री मिल जाएगी। आप शुगर फ्री केक बन रहे हैं, शुगर फ्री चॉकलेट्स बन रही हैं, शुगर फ्री पेस्ट्रीज बन रही हैं। जो उनकी मिठाइयां हैं वो यही हैं, चॉकलेट पेस्ट्री वगैरह वगैरह, वो सब शुगर फ्री बना रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और महंगी बिक रही है फिर 120 किलो। ये सारा दुष्परिणाम चीनी का है। और चीनी से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज इन्होंने बनाई थी, सैक्रीन। पहले ये जागृति इतनी ज्यादा आ गई है, डॉक्टर्स लगे हैं, बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं, स्कूल में जा जाके बच्चों को कह रहे हैं शुगर फ्री खाओ कोई भी चीज। तो बच्चों ने वहां पेप्सी बंद किया है, कोका कोला बंद किया है, पेस्ट्रीज खा रहे हैं तो वो शुगर फ्री खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं तो शुगर फ्री, और उन्हीं की बिक्री बढ़ रही है।
वहां जागरूकता आ गई और वो समझ गए और उन्होंने देखा कि उनके मोटापे का कारण चीनी है, उनके हाई ब्लड प्रेशर का कारण चीनी है, उनके देश में डायबिटीज का कारण चीनी है, ब्रेन स्ट्रोक का कारण चीनी है। अब तक जो रिसर्चेस हुई है वो बताती है कि चीनी 103 बीमारियों का कारण है, 103 डिसीज खाली चीनी से आती है। तो वो मना कर रहे हैं कि मत खाओ और अच्छे से उनके यहाँ ये बात चल पड़ी है। सांसद शुगर लॉबी के हैं और इन्होंने कंट्रोल कर रखा है पूरे देश की पॉलिटिक्स को। प्राइम मिनिस्टर कोई बने चलती ही नहीं की और हर पार्टी में घुसे हो और ये एक भी ऐसा कानून नहीं बनने देते जो चीनी के खिलाफ जाए। आपको मालूम है गन्ना सबसे सस्ता खरीदा जाता है इस देश में और चीनी सबसे महंगी बिकती है इस देश में। ये क्या चक्कर है, लूट रहे हैं ये सारे देश। गन्ना किसानों को 3-3 साल पेमेंट नहीं करते ये चीनी मिल वाले। किसान बेचारे तड़पते परेशान होते चक्कर काटते रहते और पेमेंट होता है तो भी सबसे कम कीमत पर और चीनी सबसे महंगी कीमत पर बेचते। बीच का सारा पैसा लूट के ये अपनी खराब राजनीति को और देश के ऊपर गलत कानूनों को थोपते रहते। तो अगर आप चाहते हैं कि ये देश करप्शन फ्री हो और इस देश के भ्रष्ट नेताओं को हम किनारे करने में खाना खाएंगे, उसको हजम होने में डाइजेस्ट होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ खा लिया तो 4 घंटे में ही वो खाना आपका पचेगा। ये गुड़ पर हमारे आयुर्वेद की सबसे बड़ी रिसर्च। तो आप खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, खाना जल्दी पचेगा। और इसका उल्टा है, अगर आपने खाने के बाद थोड़ी चीनी खाई तो ये खाना तो पचेगा नहीं कम से कम 8 घंटे तक, और वो चीनी को पचाने में पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा लेकिन चीनी पचेगी नहीं। चीनी में एक केमिकल जो हमेशा याद रखी खा रहे तो वो आपके शरीर में जा रहे और ये जो गंधक है सल्फर, ये चली तो जाती है शरीर में चीनी के साथ लेकिन निकलती नहीं बाहर। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई गंदगी कोई कचरा गया तो या तो यूरिन के साथ निकल जाएगा पेशाब के साथ, नहीं तो स्टूल के साथ मल के साथ, नहीं तो पसीने के साथ निकल जाएगा, कभी जरूरत हुई तो बलगम के साथ निकल जाएगा। भगवान ने व्यवस्था बना ली, लेकिन चीनी का जो सल्फर है ये नहीं निकलता, ये जमा होता रहता है, रक्त में जमा होता है, खून में जमा होता है और एक लिमिट जब ये क्रॉस कर जाते भारत से गए तो चीनी भी उनके साथ हम भेज देते, सारी चीनी मिले उठा के वो ले जाते यहाँ से, क्योंकि इसमें कबाड़ और कचरा है और कुछ है नहीं तो देश का भला हो जाता, वापस हम फिर गुड़ खाने लगते गुड़ बनाने लगते। लेकिन वो नहीं हुआ, अंग्रेजों को भगा दिया, चीनी को रख लिया और आप स्वस्थ बनेंगे निरोग बनेंगे ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप चीनी छोड़ के आज से शुरू करके देखिए, 15 दिन में वेट कर लीजिए अपना, आपको आश्चर्य लगेगा कि आपका वजन कम हो रहा है 15 ही दिन में। कितना भी वेट आपका बढ़ा है चीनी छोड़ के देखिए सब वजन कम हो जाए, तोन बाहर निकली है पेट बाहर निकला है, चीनी छोड़ के देखिए पेट अंदर चला जाए, घुटने का दर्द है कमर का दर्द है कंधे का दर्द है सब में आराम हो जाए, नींद अच्छी चीनी छोड़ के देखिए कम हो जाए, माइग्रेन आपका जो है ना बहुत तकलीफ दे रहा है चीनी छोड़ के देखिए खत्म हो। एक चीनी छोड़ते ही बहुत तरह के रिलीफ होना शुरू होते हैं और आप सबसे बड़ा रिलीफ ये पाएंगे कि आपको शरीर हल्का लगेगा हर तरह से छोड़ कर। हमने हजारों की छुड़वाई और सब एक ही बात कहते हैं वजन कम हो गया, पहले से अच्छी नींद आ रही है, घुटने का दर्द कम हो गया, कमर का दर्द कम हो गया, कई तरह की सर्दी जुकाम तरह तरह की स्नोफीलिया साइनस जैसी बीमारियों में रिलीफ आया, क्योंकि खून शुद्ध होने लगा ना तो सब ठीक ही होने वाला है। तो आप इसको करिए और दूसरों को भी बताइए और आप इस काम को थोड़ा गंभीरता से कर पाए तो आप स्वस्थ होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे, बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। तो डायबिटीज के बहाने मैंने आपसे ये बात कही,
थोड़ा जल्दी जल्दी दो तीन बातें और कह दूं। सबकी बात हुई हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो आप तीनों प्राणायाम करिए, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, और हर दिन थोड़ी कुछ आयुर्वेदिक दवाएं ले लीजिए जो घर में ही है। जैसे बहुत अच्छी दवा आपके घर में है दालचीनी, दालचीनी मसाले के रूप में आप यूज करते हैं वो आप खाइए, आधा चम्मच शहद आधा चम्मच दालचीनी गर्म पानी के साथ, बहुत अच्छी दवा है। इन दोनों में से कोई एक, या तो वो या तो ये। दूसरी आधा चम्मच लीजिए, एक गिलास गर्म पानी में रात को भिगा दीजिए, रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको पानी में, सवेरे उठकर पानी को पी लीजिए और मेथी दाने को चबा के खा लीजिए। ये बहुत जल्दी आपका हाई बीपी ठीक करेगा, 1.5 से 2 महीने में बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। और एक तीसरी दवा है हाई बीपी के लिए, अर्जुन की छाल। अर्जुन एक वृक्ष होता है, कहीं भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो शायद हर जिले हर गांव में मिल जाता है। ये वृक्ष का 25-30 रुपए किलो में मिलेगी, बहुत सस्ती। इस अर्जुन की छाल को धूप में सुखा के पत्थर में पीस के बना लीजिए इसका पाउडर, आधा चम्मच पाउडर आधा गिलास गर्म पानी मिला के ले लीजिए। बहुत अच्छा होगा कि आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर को आधा गिलास गर्म पानी में अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा है अपने घर में, उसका नाम है लौकी का रस, 1 कप, 5 पुदीना पत्ता, 5 तुलसी पत्ता मिला के, 3-4 काली मिर्च पीस के, ये सब डाल के पीना, बहुत अच्छे से आपका बीपी ठीक करेगा और ये हृदय को भी बहुत व्यवस्थित कर देता है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने पिछले 10 वर्षों में करोड़ों भारतवासियों को लौकी का रस पिलाया और गंभीर रोग ठीक हुए उनके, डायबिटीज ठीक हुई, हाई बीपी ठीक हुआ। आज स्थिति ये है कि जो लौकी कभी 2 रुपए किलो बिका करती थी अब वो 20 रुपए किलो, क्योंकि डिमांड बढ़ी ना तो कीमत बढ़ गई। हमें इसका कोई अफसोस नहीं, अगर थोड़ी कीमत भी बढ़ी तो फायदा किसी किसान को ही मिल रहा। आप चाहें तो लौकी को अपने घर में भी लगा सकते हैं, थोड़ी भी कच्ची जमीन है, लौकी आराम से होती है। और लौकी के बारे में कहा जाता है कि खराब से खराब जमीन पे लौकी की बेल फैला दीजिए तो नीचे का तापमान कम हो जाएगा अंदर का। लौकी तो मिलेगी फ्रेश, घर के अंदर का तापमान कम हो जाएगा, करके देखा मैंने, और इसमें कम से कम 3 से के भी 5 है, 10 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी, तो इसमें कम से कम 100 वर्ग फीट की छत में 5,000 रुपए की लौकी पैदा कर सकते हैं, कम से कम। खुद खा सकते हैं, पड़ोसियों को खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भरपूर फल देने वाली है। बेल क्रीपर है, सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करके काम करने वाला ये पौधा है। तो आप लौकी का रस पिए, बहुत अच्छा है। हाई बेल पत्र के पत्ते, ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत काम आते हैं, आप इसको उपयोग करिए। 5 पत्ते ले लीजिए बेल पत्र के, पत्थर में पीस के बनाइए उसकी चटनी, और जो चटनी बन गई बेल पत्र के पत्ते की उसको 1 गिलास पानी में डाल के खूब गर्म कर दीजिए, इतना ये सबसे जल्दी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। और ये बेलपत्र आपके शुगर को भी नॉर्मल कर देगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों है उनके लिए ये सबसे अच्छी दवा बेलपत्र, शुगर भी ठीक होगी ब्लड प्रेशर भी ठीक। और ये बेलपत्र वही है जो हम शंकर भगवान को अर्पित करते हैं। मेरा एक निवेदन है कि आप जब शंकर भगवान को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो शंकर जी का स्पर्श करा के ये वापस ले आइए, क्योंकि ये प्रसाद है। आप वहां मंदिर में छोड़ देते हैं बेलपत्र को, पुजारी क्या करता है वो इकट्ठा करके कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। मैंने इसका हिसाब निकाला था कि जितने शंकर जी के मंदिर भारत में है, सावन के महीने में, सावन का महीना सबसे ज्यादा हमारे आधार पर रोज सुबह खाली पेट,
हमारी भारत की जो गाय है जिसको हम देशी गाय कहते हैं, स्वदेशी गाय कहते हैं, इसका आधा कप मूत्र रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड प्रेशर रोज सुबह खाली पेट कोई भी पिए, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और ये गोमूत्र बहुत अद्भुत है, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये लो बीपी को भी ठीक कर देता है, दोनों में काम आता है। और यही गोमूत्र डायबिटीज को भी ठीक कर लेता है। अगर आप खाली गोमूत्र पी रहे हैं तो आपकी शुगर भी ठीक होगी, बीपी भी ठीक होगा, और ये गोमूत्र पिए ना तो घुटने का दर्द भी ठीक होता है, अर्थराइटिस, गाउट दोनों ठीक होता है। ये अगर गोमूत्र आप पी रहे हैं तो दमा भी ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाता है गोमूत्र से। हमने परीक्षण करके देखा है कि अगर किसी व्यक्ति को आप एलोपैथिक मेडिसिन दें, उनकी ट्यूबरकुलोसिस एक बार ठीक होती है दोबारा नहीं आती, इतना प्रभावी है। क्योंकि एलोपैथी में तो कोई दवा नहीं देखो आप, आयुर्वेद में बहुत दवाएं हैं, भरपूर दवाएं हैं लोगों की। सबसे अच्छी दवा है गुड़, ये जो गुड़ है ना ये पानी में घोल के नमक मिला के नींबू का रस डाल के पियो, एक गिलास पानी 15-20 ग्राम या 25 ग्राम तक गुड़ मिलाओ और उसमें डालो नमक और डालो नींबू का रस और पियो, दिन में 2-3 बार पियो, लो बीपी सबसे जल्दी ठीक होगा। और एक अच्छी दवा है लो बीपी की, बहुत बढ़िया दवा, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो रोज अनार का रस पियो, नमक डाल, बहुत जल्दी लो बीपी ठीक होगा। अनार का रस, गन्ने का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता, संतरे का रस पियो नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता, अनानास का रस पी सकते हैं नमक डाल के, ये भी लो बीपी ठीक करता। और एक बढ़िया दवा बताता हूँ लो बीपी की, मिश्री और मक्खन मिला के खाओ, ये लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। मक्खन मिश्री, मक्खन वो जो घर में आप निकालते हैं, बाजार वाला नहीं, दही बना के उसमें से मक्खन जो निकलता है वो मक्खन ताजा और मिश्री मिला के खाओ, श्री कृष्ण भगवान की डाइट है मक्खन मिश्री, रोज खाते और इसी की ताकत से कंस को मार, जरासंध को मार, इसी की ताकत से। मतलब मैं आपको बड़ी गहरी बात कहता हूं, डॉक्टरी की जो पढ़ाई है इसका सिलेबस तो आप जानते हैं यूरोपियन अमेरिकन, वो खतरनाक, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन हम जो दही में वो चलाते ना, क्या कहते हैं उसको, मथानी, गई दही में मथानी चला के जो मक्खन निकलता, ये सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाला फैट है, इससे जल्दी कोई चीज नहीं हजम होती। और मक्खन के साथ अगर मिश्री मिक्स हो गई तो ये एक दूसरे के ऐसे जबरदस्त दोस्त हैं कि इनका कहना, मेरा तो आप सभी को निवेदन है कि आपके घर के छोटे लो बीपी में इतने अकेला के पियो, एक गिलास दूध, एक चम्मच घी, और घी ये गाय वाला ना मिले तो भैंस वाला भी चलेगा, लेकिन अच्छा गाय वाला, और गाय वही जो देशी, एक चम्मच घी, एक गिलास दूध रोज रात को पी के सो जाओ, इसी है। नमक का पानी पियो, पानी में नमक डाल के पीते हो, जो सबसे गरीब लोग हैं जो ना मक्खन खा सकते हैं, ना मिश्री खरीद सकते हैं, ना गन्ने का रस, ना अनार का रस, तो उनको बता दो कि पानी और नमक इतना तो पी सकते हैं, और गर्म पानी के साथ आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच शहद गर्म पानी के साथ। पेट से जुड़ी हुई कुछ बातें कर लें, हमारे पेट, अजवाइन ले लें, कच्ची अजवाइन सबके घर में है, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गुड़, दोनों मिलाएं और चबा के खाएं, पीछे से गर्म पानी पी लें, और ये रात में ही खाएं सोते समय। जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, पेट साफ नहीं होता, वो रात को सोते समय एक चम्मच गुड़, आधा चम्मच अजवाइन मिला के चबा के खाएं। मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी आई, या मायोपिया हुआ, या कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, कई बीमारियां हैं जो गोमूत्र ठीक कर देता है।
और गोमूत्र के साथ एक अच्छी और दवा है हल्दी, गले का इन्फेक्शन है हल्दी इस्तेमाल कर शुरू होता है, उसके सारे कॉम्प्लिकेशन चूने से ठीक होते हैं। अक्सर हमारी माताओं को बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस किसी बीमारी के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास, और दवाएं वही जो अपने आसपास हैं, रसोई में जो दवाएं हैं, रसोई के नजदीक में जो हमारा किचन गार्डन नहीं कर, बल्कि गरीबी और बढ़ी। और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की सरकारों ने 12 पंचवार्षिक योजनाएं इस देश में लगाई गरीबी हटाने के लिए, वासियों को जोड़ लेना है और तब इन बेईमानों से लड़ाई शुरू कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।